प्रश्न संख्या 342 नहीं इतना लंबा नहीं प्रश्न संख्या बैठिए प्रश्न संख्या 342 मेरे पास जवाब आ गया है चलिए और मैं पूछना चाहूंगी इसमें पहला प्रश्न का जवाब दिया है माननीय मंत्री महोदय जी ने कि पंचायत समिति के मद से जितना भी पैसा गया है उसकी हम एक महीने में जांच करा लेंगे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि जांच आप कराएंगे लेकिन पहली बात तो जो जांच होती है वो उच्च स्तरीय कमेटी के द्वारा की जाए और कुछ पंचायतें चार पंचायत ऐसी है सीतोड़ कोली प्रेमपुरा बहाड़ मोहनपुर भावरा जिसके अंदर या तो पैसे का काम हुआ नहीं या फिर ये जो भावरा पंचायत है इसमें उप प्रधान जो आप ही की पार्टी का है इसने लिख के दिया है ये शब्द नहीं आपकी पार्टी का आप तो सीधा प्रश्न पूछो हाँ तो ये इसने लिख के शिकायत की है कि भावरा पंचायत में सरपंच नहीं है तो पंचायत का पूरा पैसा ऐसे ही उठा लिया जाता है और पंचायत समिति मद से थोड़ा बहुत काम कराया है तो उसकी स्पेशली जांच हो जाए इसके अलावा और जो कर्मचारी है उन पे दबाव बनाया जाता है कि सीधा पैसा निकाल कर दे नहीं तो तुम्हें ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो अलग अलग वहाँ के कर्मचारियों से पूछा जाए कि आपके ऊपर किस तरीके का प्रेशर बनाया जा रहा है तो मैं चाहूँगी कि ये जांच तो ठीक है आप करा लेंगे लेकिन दूसरा जो खंड दो है तो मैं एक महीने के अंदर बोल दिया है आपने लेकिन खंड दो है उसके अंदर पेड़ काटने का है एक तो हम माँ के नाम पेड़ लगा रहे हैं और पेड़ों की कटाई एक आम आदमी पेड़ काट लेता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाता है लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूँगी अध्यक्ष महोदय के परमिशन से मंत्री महोदय से कि 60,000 जमा कराए हैं और 68 पेड़ 68 काटे हैं पंचायत समिति परिसर से तो वैसे तो बड़ा गबन है ये छोटा मामला है नहीं लेकिन उस पर अपन नहीं जाएंगे लेकिन पहला मेरा पॉइंट ये है कि इसकी ये प्रश्न मेरा ये है कि इसकी परमिशन ली या नहीं ली और नहीं ली तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का विचार रखते हैं क्या आप संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के खिलाफ माननीय अध्यक्ष महोदय मुझे कुछ पंचायतों की शिकायतें प्राप्त हुई है जैसे मोरपा डाबर सुंदरी सफीपुरा ककराला बाटोदा इनकी मैं एक महीने में जांच करा करके जो भी दोषी होगा माननीय अध्यक्ष मोदी माननीय अध्यक्ष मोदी ये मैंने प्रश्न पूछा उत्तर सुनिए माननीय अध्यक्ष मोदी मैंने प्रश्न पूछा पंचायत समिति मद का आप बता रहे हैं विधायक मद का माननीय सदस्य आप इसमें मुझे दे दीजिए लेटर कौन सी शिकायत आई है सबकी जांच कराऊंगा आप मुझे बता दीजिए आप सबकी जांच करा लीजिए लेकिन मैं चाहती हूँ जन अगला प्रश्न आपको यानी जब कोई मंत्री अरे मैं जो सुनो मैंने जो मंत्री उत्तर दे रहे हैं उसके बाद आपको और अवसर तो मिलूंगा आप पूछे तो सही तो आप इसका नाम खड़े होकर के जवाब दोगे अगर पूछे कि साहब दूसरे विभाग में जवाब दूंगा ये तरीका नहीं है पूछे मंत्री मोदी मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जिस तरीके से आपके पास जो लेटर है उसके अंदर जो पंचायतों का नाम दिया गया है उसमें पंचायत समिति मद से कोई जांच का मैंने जो प्रश्न लगाया है वो अलग है आप जो जवाब दे रहे हैं वो अलग है आपका जो जांच आइए वो एमएलए कोटे से कराए हुए कार्यों की आइए उसके बेसक जांच करवाइए आप उसमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है और जो मैं दे रही हूँ वो अलग बात है वो पंचायत समिति मद की बात है उसकी बात का जवाब ले रही हूँ कि सबसे ज़्यादा जिन पंचायतों में पैसा दिया गया है क्या उनकी आप जांच कराएंगे जांच भी पब्लिक के बीच में पब्लिक को सूचना करके ऐसा नहीं कि चुपचाप दो चार आदमी चले गए ऐसे करके आ गए और पेड़ों की अनुमति किसी से ली नहीं और अगर ली है तो आप बता दें और नहीं ली है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे या नहीं कराएंगे दो पॉइंट अरे बैठिए माननीय मंत्री माननीय अध्यक्ष महोदय मैंने कहा कि मुझे कुछ ग्राम पंचायतों की शिकायत प्राप्त हुई है इनकी भी जांच कराऊंगा एक महीने के अंदर और कोई शिकायत और की लिखित में आएगी तो उनकी भी जांच कराऊंगा एमएलए कोच भी कराऊंगा पंचायत से मत से हुआ भी उसकी भी कराऊंगा जिला परिषद मत से वो उसकी भी कराऊंगा दूसरा सवाल माननीय सदस्य ने पूछा है कि पेड़ों की कटाई ये सच है इनकी बात सच है कि पेड़ों की कटाई के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन मिली नहीं उसके पहले ही पेड़ों को काट दिया गया इन्होंने जो पेड़ काटे थे बम्बूल काटे थे 37 सफेदा काटे थे 9 और इनमें तो नियमों को कोई आपत्ति नहीं लेकिन इन्होंने सरस के 7 काट दिए चिरेल के 9 काट दिए
और अलड़ू के 2 कार्दे, शीशम के 1 कार्दे, नीम के 3 कार्दे। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जिन्होंने भी इन पेड़ों को काटा है, जो अधिकारी कर्मचारी इसमें शामिल है, उनके खिलाफ कार्रवाई करूँगा और आज ही मैं इसमें शामिल जो लोग हैं उनको निलंबित करता हूँ। अगला प्रश्न है श्री चुन्नी लाल।